हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसे डिटेल में समझेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के डिस्कशन का ये रहेगा कि हम ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ हम इसका रेलेवेंस समझेंगे और हम ये देखेंगे कि 21st सेंचुरी में द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट हो गया। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो वीडियो को शुरू करने से पहले एक मेरी खंबा रिक्वेस्ट है गाइस, अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू सपोर्ट मी। तो ट्रस्टीशिप क्या है? एक तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये क्या था? एक गांधीयन ऑल्टरनेटिव है। यह गांधी जी का अप्रोच था, एक ऑल्टरनेटिव था। किस लिए? जो सोसाइटी में जिस तरीके की प्रॉब्लम्स प्रेजेंट थी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, बेसिकली जहाँ पर प्राइवेट सोसाइटी का कंसेप्ट था, राइट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। तो वहाँ पर जिस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी के एकोमोलेशन हो रहा था और जो रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप बन रहा था, इनइक्वालिटी बन रही थी, तो उसका सॉल्यूशंस कार्ल मार्क्स ने पहली बार उसे हाईलाइट किया। उन्होंने मार्क्सिज्म का कंसेप्ट दिया जिसमें उन्होंने सोशलिज्म देन कम्युनिज्म इस्टेब्लिश करने की बात की। तो जो कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप है ये गांधीयन अप्रोच से आप कह सकते हो, या जो एक ऐसा ऑल्टरनेटिव जो गांधी के द्वारा सजेस्ट किया गया था फॉर द प्रॉब्लम ऑफ द वेस्टर्न अप्रोचेस। ओके, तो आई होप कि बेसिक आइडिया लग रहा है कि ट्रस्टीशिप किससे रिलेटेड है? सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से रिलेटेड है, जहाँ पर ये बात की जाती है कि जो वेल्दी पीपल्स हैं, राइट, जो रिच पीपल्स हैं, उनके पास जितनी भी वेल्थ है ना, उसका कुछ पोर्शन इनका है, इन रिच पीपल्स एंड वेल्दी पीपल्स का है, जितनी उन्हें नीड है। रेस्ट ऑफ द वेल्थ जो है दैट बिलोंग्स टू द सोसाइटी या कम्युनिटी एज अ होल। क्यों ऐसा बोलते हैं जो महात्मा गांधी है? क्योंकि ही हैज़ द बिलीव इन द लॉ ऑफ नॉन पॉजिशंस। वो कहते हैं कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गॉड एंड वॉज फ्रॉम गॉड। हमें सब कुछ गॉड के द्वारा मिला है, गॉड से बिलोंग करती। इंडिविजुअल से कोई भी, इंडिविजुअल की कोई अपनी चीज़ नहीं है। इंडिविजुअल इज़ नॉट द ऑनर ऑफ दैट वेल्थ। ओके, इंडिविजुअल क्या है? दैट इज़ द ट्रस्टी केवल, ठीक है। वो पोजीशंस इसके उसकी ये प्रॉपर्टी वेल्थ उसके पास है, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन किसके लिए किया जाएगा? वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। ओके, तो ये मॉडर्न टाइम पे जो कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का है उसके कुछ क्लोज में है, वैसे उससे ही कुछ मिलता जुलता कंसेप्ट है। ओके तो आई होप कि अभी ये समझ में आया कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप। ओके, तो नेक्स्ट फर्दर हम बात करें महात्मा गांधी के व्यूज़ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, जहाँ पर हम कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ डायमेंशन ऑफ ट्रस्टीशिप की बात करेंगे। जैसे कि फर्स्ट द थिंग वी शॉट टू अटेन गॉड थ्रू दी सोशल सर्विसेज। जो पीपल्स हैं, अगर हमें गॉड को अटेन करना है, जो हम वर्शिप करते हैं, वर्शिप के थ्रू गॉड को अटेन करने की कोशिश करते हैं, महात्मा गांधी कहते थे कि हमें सोशल सर्विसेज के थ्रू, अगर हम सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, जिसे हम कहेंगे जो मानव सेवा है, मनुष्य की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, ये गॉड की सेवा करने जैसा है। ओके, तो इस तरीके से जो रिच पीपल्स हैं, जो वेल्दी पीपल्स हैं, उनके पास जो वेल्थ है, जो उनके पास सरप्लस अमाउंट है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको वो यूज़ करें फॉर द बेनिफिट ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड। तो इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं? सोशल सर्विसेज कर रहे हैं, और सोशल सर्विस करना एक तरीके से गॉड की सेवा करने जैसा है। ओके फिर बात करते हैं महात्मा गांधी की जो थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैंजिबल प्रॉपर्टीज़ पर अप्लाइड होती है, ये इनटैंजिबल प्रॉपर्टी पर भी अप्लाइड होती है। अब टैंजिबल और इनटैंजिबल प्रॉपर्टी क्या है? टैंजिबल प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, या मनी हो गई जो करेंसी होती है, या फैक्ट्रीज़ हो गए, ये टैंजिबल थिंग्स जो आप देख सकते हो, विजिबल है, टच कर सकते हो। इनटैंजिबल थिंग्स जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉलेज, राइट, विजडम या किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़, स्किल्स हो गई, ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हो गई। तो ट्रस्टीशिप क्या है, दोनों ही स्फीयर पे लागू होती हैं, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल पे। और जैसे फॉर एग्जांपल जिनके पास मनी, प्रॉपर्टी, लैंड, ये सारी चीज़ें हैं, उसका वो दूसरे जो लेस प्रिविलेज्ड पीपल्स हैं उनके लिए यूज़ करेंगे, राइट, उनके वेलफेयर के लिए। इनटैंजिबल जैसे आपके पास स्किल्स है, नॉलेज है, कोई एक्सपर्टीज़ है, उसे आप शेयर करो लेस प्रिविलेज्ड पीपल्स के साथ में। आप फॉर एग्जांपल एजुकेटेड हैं तो लेस जो लेस प्रिविलेज्ड पीपल्स हैं, स्लम एरियाज़ के पुअर पीपल्स, उनको लोग एजुकेशन देते हैं एनजीओज़ के थ्रू। तो ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को शेयर करना हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये क्यों बोल रहे हैं, जो ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है इसके लिए पीछे जस्टिफिकेशन क्या है। तो एक रिलीजियस बिलीफ तो हमने देख लिया नॉन पॉजिशंस का, क्योंकि हर चीज़ तो गॉड से बिलोंग कर रही है, गॉड के द्वारा दी गई है, तो वो ट्रस्ट उसको हमें कॉमन पीपल जो कम्युनिटी के पीपल से कॉमन गुड अचीव करने के लिए हमें यूज़ किया जाना चाहिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट जस्टिफिकेशंस ये है महात्मा गांधी के द्वारा कि जो वेल्दी पीपल्स ने जो वेल्थ जनरेट की है, एक्युमुलेट की है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अकेले अपने दम पर किया है। ओके, इंटायर सोसाइटी, इंटायर सोशल सिस्टम ने उसे हेल्प की है उस वेल्थ को जनरेट करने के लिए, जैसे कि लेबर या विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ वर्कर्स एंड पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पॉसिबल ही नहीं होता उसके लिए इस इतनी वेल्थ को जनरेट करना। तो जब अगर रिच पीपल्स एंड वेल्दी पीपल्स इस इतनी वेल्थ को जनरेट कर रहे हैं, एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो उसमें सोसाइटी के लोगों का ओवरऑल सोशल जो सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनका भी कोऑपरेशन है उसमें, और इस तरीके से उनका भी शेयर बनता है। तो इस तरीके से जो सरप्लस अमाउंट है रिच पीपल्स का, उन्हें उसे वेलफेयर ऑफ द लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन जो है उनके वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो ये एक कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हो गए। फर्दर बात करें तो गांधी बेसिकली सजेस्ट करते हैं ट्रस्टीशिप की डॉक्ट्राइन को एज अ आंसर टू द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। जिस तरीके की सोशल सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट थी, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल्स बहुत अमीर हैं, कुछ सेक्शन ऑफ द पीपल बहुत गरीब हैं, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है। कोई लाखों में कमा रहा है, कुछ लोग मतलब 100 रुपीज़ या 1 टाइम मील के लिए भी मतलब डिप्राइव हैं। तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो है इसका एक आंसर है ट्रस्टीशिप, ये इसके लिए एक सलूशन है ट्रस्टीशिप। ओके, इस तरीके से जो सोसाइटी में जो वायलेंस या जो कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं इस इनइक्वालिटीज़ की वजह से, तो ट्रस्टीशिप एक नॉन वायलेंट तरीका हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, जब सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ बढ़ जाएंगी तो वो क्या होगा, वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा, वायलेंस ज़्यादा होगा, हार्मनी नहीं रहेगी, पीस नहीं रहेगी। तो गांधी जी का मानना था ये ट्रस्टीशिप जो है ये नॉन वायलेंट तरीका है। यहाँ पर हम फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वायलेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है सोसाइटी में, इनइक्वालिटीज़ प्रेजेंट है, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है इस तरीके से। ओके भाई, जब लोगों को लगेगा ना कि ये जो रिच पीपल्स हैं, जो वेल्दी पीपल्स हैं, ये हमारे वेलफेयर के लिए भी काम कर रहे हैं, तो वो भी हार्मनी एंड पीस में रहेंगे। Getting it? So according to Gandhi, जो wealthy peoples are morally bound to share their wealth in a fair manner with their worker and the poor. Okay, so this is their moral responsibility also. He do not believe in that कि कोई legislation लाया जाए, right? ऐसा law बनाया जाए। उन्हें गांधी जी का मानना था कि जो rich peoples हैं उनको वो वॉलंटरीली ऐसा करें, मतलब वो खुद ही विलिंग हो ऐसा करने के लिए, राइट, वो इसे एक अपनी मोरल ड्यूटी समझें, ना कि लीगल ड्यूटी। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो गांधी जी हैं, इट इज़ प्रपोज टू गिव अ डिसेंट मिनिमम लिविंग वेजेस। जो सोसाइटी में जो पुअर पीपल्स हैं उन्हें भी एक डिसेंट मिनिमम लिविंग वेजेस मिलना चाहिए, इस तरीके से उन्हें भी हेल्प होनी चाहिए, ताकि मिनिमम लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड उनका भी हो सके और हम एक इक्विटेबल सोसाइटीज़ को कंस्ट्रक्ट कर सकें। ओके, फिर हाँ, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि वो इस चीज़ की बात नहीं करते, नॉट एक्सक्लूड लेजिस्लेशन ऑफ द ऑनरशिप एंड यूज़ ऑफ द वेल्थ। वेल्दी पीपल शुड अपने वो विलिंगनेस के साथ में अपनी इच्छा से उस वेल्थ को शेयर करें लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस के साथ में। ऐसा नहीं कि उन्हें किसी लॉ के द्वारा फोर्स किया जाए ऐसा करने के लिए. ओके, सो इट डज नॉट रिकॉग्नाइजेज एनी राइट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्राइवेट एक्सेप्ट सो फॉर इट इज़ मे परमिटेड बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन वेलफेयर. ओके, इट इज़ अ बेसिकली वे टू फॉर्म एन इगैलिटेरियन एंड नॉन वायलेंट सोसाइटी. इगैलिटेरियन का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, दिस इज दैट इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी प्रिंसिपल. ओके, नॉन वायलेंट सोसाइटी कैसे? जब सभी की नीड्स पूरी हो रही होंगी, हर किसी को दोनों टाइम का भोजन मिल रहा होगा, तो फिर वो वायलेंस क्यों करेंगे सोसाइटी में? ओके, वो भी पीस एंड हार्मनी के साथ रहेंगे. सो ओके, हाँ, फर्दर गांधी जी कहते हैं कि जो वेल्दी पीपल्स हैं, जो रिच पर्सन हैं, उन्हें अपनी वेल्थ का रीज़नेबल तरीके से एक्सपेंड करनी चाहिए अपनी पर्सनल नीड्स के लिए. ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा, आप वेल्दी पीपल्स हैं, रिच हैं, तो आप अभी मतलब लग्जरी के साथ जी रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं मनी को. ओके, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप ट्रस्टी हैं और आपकी जो इस वेल्थ है उसका यूज़ होना है फॉर दी सोसाइटी एंड द कम्युनिटी. ओके, हाँ, सो होल आइडिया ऑफ दिस वेल्थ जो ट्रस्टीशिप एंड ऑल है, इसको मिसयूज़ होने से रोकना है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्विटेबली, एम टू प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन डिग्निटी. भाई, जब लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन को एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मिलेगा, लिविंग वेजेस मिलेंगे, राइट, अर्निंग होगी, तो वो भी डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ जी सकते हैं. ओके, एंड यस, सो वही फर्दर कि ही डज़ नॉट बिलीव इन द कंपल्शन, कि हमें कंपेल नहीं करना है रिच पीपल्स को. हमें क्या करना है, उन्हें ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा उनके विचारों को शेप करना है ताकि वो विलिंगली एक्सेप्ट कर लें इस चीज़ को कि हाँ, वो अपनी वेल्थ को लेस प्रिविलेज्ड सेक्शन के साथ में शेयर करेंगे. सो रेलेवेंस की बात किया जाए मॉडर्न टाइम पे अगर, तो आपको पता है कि मॉडर्न टाइम पे जो 21st सेंचुरी है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट, जहाँ पर हम एक इक्विटेबल सोसाइटी, इगैलिटेरियन सोसाइटीज़ की बात करते हैं. सो प्रिवेलिंग जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट, वो सजेस्ट करते हैं कि द आइडिया ऑफ ट्रस्टीशिप इज इवन इज़ द मोर रेलेवेंट इन टूडे, राइट, जितना कि उस समय दिया गया था. अब ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, किस बेसिस पे, तो हम एक रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं, ऑक्सफैम रिपोर्ट, जो कहती है कि जो इनइक्वालिटी है समाज में, जैसे इंडियाज़ टॉप 10% पॉपुलेशन होल्ड 73 ऑफ दी वेल्थ. जो टॉप 10% के पास 73 वेल्थ है टोटल, जो जीडीपी है हमारी. इसके बाद जो 90% पॉपुलेशन है, उनके पास कितनी बस्ती है, 28%. तो आप समझ सकते हो कि कितनी ह्यूज इनइक्वालिटी है सोसाइटी में. देन डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट. अब जब एक्सेसिव मिसयूज़ करोगे जो वेल्थ है उसका आप अपने लग्जरीज़ के लिए, तो वो इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहा है, जैसे ग्रीन हाउस, क्लाइमेट चेंजेस, अरे इस तरीके से डिज़ास्टर्स, डिजीज़ेस, जैसे कोविड-19 हमने अभी रिसेंट में विटनेस किया. तो ये सारी डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टाइम पे एक वर्ल्ड या ग्लोबल इशू है, ग्लोबल चैलेंज है, तो यहाँ पर ट्रस्टीशिप का जो कंसेप्ट है वो रेलेवेंट हो जाता है, ताकि जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेज है, हम उसको मिसयूज़ ना करें, हम उसका रेशनल यूज़ करें. ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. भाई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ही तो आप प्रोडक्शन ह्यूज लेवल पर कर रहे हो ना, और इसके आधार पर आप उतना ही प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं. जब उतना, जैसे फॉर एग्जांपल जंगलों को काट कर हमने लैंड बना ली, और उस लैंड में हम क्या कर रहे हैं, शहर बसा रहे हैं, सिटी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बना रहे हैं. तो ये क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो 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 अर्थ के रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल वेल्थ हैं हमारी, जैसे फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, राइट, हम एटमॉस्फेयर, ये सब पॉल्यूट होता है, डिप्लीट होता है. तो इसकी वजह से ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है. आप ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हो. अगर हम ये बात करें कि 21st सेंचुरी में जो हम ग्लोबल चैलेंजेस, क्राइसिस देख रहे हैं, तो ट्रस्टीशिप उसका कैसे सलूशन प्रोवाइड करती है, तो पहला सस्टेनेबल कंजम्पशंस, मतलब हमें अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंज्यूम करना है, नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करना है. ऐसा नहीं कि हमारे पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, तो हम उसे मिसयूज़ कर रहे हैं अल्ट्रा लग्जीरियस लाइफ के लिए. तो सस्टेनेबल कंजम्पशंस करना है। सस्टेनेबल वर्ड यहाँ पर जुड़ जाने से मतलब ये है कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं विदाउट हार्मिंग द रिसोर्सेज जो फ्यूचर जनरेशन की नीड को फुलफ़िल करेंगे। ओके, देन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो हम इस तरीके से अगर हम ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द रिसोर्सेज, ओके, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। फिर डिग्निटी ऑफ द लेबर, उसको मेंटेन करेंगे, उनकी डिसेंट मिनिमम लिविंग वेजेस को इंश्योर कर पाएंगे, उन जो वर्किंग कंडीशंस है वो गुड प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ह्यूमन राइट्स को हम यहाँ पर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। equitable distribution of the wealth, so moral responsibility of the rich to take care of the social welfare of the underprivileged peoples यहाँ पर। so equitable egalitarian society को सेटअप इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट। तो इस तरीके से ट्रस्टीशिप प्रोवाइड्स सॉल्यूशंस फॉर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ द 21st century, चाहे वो ह्यूमन राइट्स का हो, चाहे वो डिप्लीशन ऑफ द इन्वायरमेंट हो, चाहे वो इनइक्वालिटी हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, राइट, चाहे वो डिग्निटी हो, डिग्निटी ऑफ द लेबर्स या ह्यूमन बीइंग हो, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हो। तो इसका सलूशन हमें ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट में मिल सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें कि क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो CSR का नाम सुना होगा आपने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, आप देखेंगे कि वो एक जो कंपनीज़ है ना, वो एक सर्टेन सर्टेन अमाउंट उनका प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट में से उन्हें कुछ परसेंट निकाल कर इस फंड पे देना पड़ता है, दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस फंड का यूटिलाइजेशन होता है जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द पीपल्स हैं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए, उनको स्किल्स देने के लिए। सो मल्टीपल डायमेंशंस हैं जहाँ पर हम इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन काम्पा फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने पे या अर्बनाइजेशन करने पे कहीं पर भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन आप कर रहे हो, फॉरेस्ट को कट कर रहे हो, तो उतना अमाउंट आपको इस फंड में देना पड़ेगा। और इस फंड का यूटिलाइजेशन करेंगे प्लांटेशन के लिए, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन के लिए। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर आयरन पाया जाता है, राइट, कहीं पे बॉक्साइट एल्युमिनियम पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, इनकी माइनिंग कर रहे हैं। कोल हो गया फॉर एग्जांपल, तो अब जब इनकी माइनिंग कर रहे हो तो वहाँ के आसपास के लोगों को पोल्यूशन फैला रहे हो आप, राइट, उनकी हेल्थ पर इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। इस तरीके से तो हमें क्या करना है, इनसे जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, हमें कुछ परसेंट डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में डालना है, और इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा उस एरिया के लोगों की वेलफेयर के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल केयर, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, स्कूल्स हो गए, रोड हो गए, वो हर तरीके के डेवलपमेंट के लिए इस फंड का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ट्रस्टीशिप के एग्जांपल्स हैं, जो 21st century पे हम इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसके बेनिफिट्स भी देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे एरियाज़ में इस तरीके के काम से इम्पैक्ट्स देखने को मिला, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े। ओके, तो आई होप कि ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट आपको समझ में आया है, और मैंने ये एडिशनल चीज़ें आपको इसलिए प्रोवाइड किया है, चाहे वो इनिशिएटिव वाला हो, चाहे वो 21st century में जो प्रैक्टिसेस हैं उस सॉल्यूशन या रेलेवेंस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा डायमेंशन हैं जो ट्रस्टीशिप के कंसेप्ट पे आप ऐड ऑन करेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर ट्रस्टीशिप का क्वेश्चन पूछा गया तो वो ट्रस्टीशिप के बारे में लिख कर चले आएंगे कि हाँ गांधी जी ने दिया था, ये पॉइंट्स थे ऐसा। वो रेलेवेंस, 21st century में सोल्यूशन प्रोवाइड करना, या इंडिया में इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे, और इस तरीके से उन्हें एक जनरल मार्किंग मिल जाएगा। ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप मेंशन करके एडिशनल मार्क्स गेन कर सकते हो। गेटिंग इट? तो कीप इन माइंड कि अगर ट्रस्टीशिप में आता है क्वेश्चन, पूछा जाता है फिर से, तो ये सारे पॉइंट्स आप, जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट को आप मेंशन करेंगे, 21st century में सोल्यूशंस कैसे हम दे सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, और इसके बाद से CSR का कंसेप्ट हो गया, या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो हो गया उसका, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आप मेंशन करोगे। गेटिंग इट? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप आपको समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन पूछा गया था आप उसको एड्रेस कर पाओगे करंट अफेयर से जोड़कर। सो कमेंट में बिलो कि आज का डिस्कशन आपको कैसे लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।